हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचजे प्रेजेंट्स फन विद स्टॉक्स। सो गाइस, आज मैं क्विकली डिस्कस करूंगा एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है स्टॉक में, और स्टॉक का नाम है स्वराज इंजन्स लिमिटेड। आप इसका टिकर यहां पे ध्यान से देख लीजिए, इट इज़ स्वराज ENG, ठीक है, स्वराज इंजन्स। सो बेसिकली ऑटो रिलेटेड सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हो सकते हैं ना, मैं उनमें से दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक है अतुल ऑटो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था 5 times का, आई गेस, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और एक और अपॉर्चुनिटी थी गुल्फ ऑयल में। गुल्फ ऑयल बेसिकली वही इन सब व्हीकल्स से रिलेटेड जो लुब्रिकेंट्स हैं उसके ऑयल वगैरह वो बनाती है। तो और वैसी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें है, बिकॉज आगे आने वाले कुछ सालों में ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आने के चांसेस हैं। सो क्विकली हम इसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्वराज इंजन से ये कंपनी बेसिकली इंजन बनाती है, तो इसके बिजनेस को देख लेते हैं। साइड पेन की कुछ बहुत खास है नहीं, डिफरेंट तरीके के इंजन्स की फोटो है, इनका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेट्रा। तो जहाँ पे कुछ बहुत खास है नहीं, प्रोडक्ट्स में भी जाके देखें तो इंजन्स है और उसके कंपोनेंट्स हैं। तो क्लिक करें तो ट्रस्टेड पावरफुल इंजन, तो यही सब है इनका बेसिकली मेन बिजनेस। फटाफटा के इसके हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे। फाइनेंशियल्स में बहुत ही सही एक अपॉर्चुनिटी है। देखो, PE ratio 21 पे ट्रेड हो रहा है, विच इज़ फेयर इनफ। कुछ बहुत ज़्यादा PE ratio भी नहीं है, कुछ बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट इनफ है। ऑल दो 25-30 के अराउंड अच्छा लगता है, बट ठीक है। और अगर मैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखूँ तो दीज आर कमेंडेबल फिगर्स। मैं 25% से ऊपर अच्छी बोलता हूँ, और ये 48.2% है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। प्रमोटर होल्डिंग सही है, कंपनी पर डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कंपनी के प्लेजिंग भी जीरो है, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सही है। और दूर से आप देखोगे तो 5 साल के ड्यूरेशन में प्राइस काफ़ी लो पे चल रहा है रिलेटिवली। और इसके बेसिकली क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो 235 करोड़ से ग्रो होते हुए 300 करोड़ तक गए हैं। बीच में डाउन टर्न आया था दिसंबर में, मार्च में, जून में, लेकिन अब वो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई हैं जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। और अच्छा खासा जो है इसके नेट प्रॉफिट आ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट कुछ भी अदर इनकम या कुछ एबनॉर्मल फैक्टर्स की वजह से नहीं आ रहे हैं, बकायदा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ किए हैं, जिनकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और रिसेंटली एटलीस्ट क्वार्टर लेवल पे नेट प्रॉफिट आर एट ऑल टाइम हाई। ईयरली लेवल पे देखें तो कंपनी लगभग 300 करोड़ से ग्रो होती हुई लगभग 1000 करोड़ तक लेके गई अपनी सेल को। नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से ग्रो होते हुए 93 करोड़ तक लेके गई है, तो नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, सेल्स ऑल टाइम हाई, अदर इनकम कंसिस्टेंट इनफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अदर इनकम में कुछ एबनॉर्मल सा कुछ एबनॉर्मल सी फिगर आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सही है। बैलेंस शीट पे देखें तो कंपनी के पास जीरो डेट है, यार ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और रिजर्व्स कंपनी ने अपना 110 करोड़ से इंक्रीज करते हुए 270 करोड़ तक लेके गई है, तो फेयर इनफ। और अगर हम कैश फ्लो में आके देखें तो डिसेंट इनफ मेंटेन है, ऑल्दो रिसेंटली इनका कैश फ्लो थोड़ा सा कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली मेंटेन है 48%, 39% से ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 52% मेंटेन है। FII ने रिसेंटली हल्की हल्की इंक्रीज की है, DIS ने रिसेंटली थोड़ी सी कम की है। गवर्नमेंट के पास जो था थोड़ा बहुत था उन्होंने वो सेल कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इसकी। पब्लिक के पास लगभग 32% है, ठीक है, बुरी बात नहीं है। मतलब ऑल्दो आई वुड लव इन अ स्टॉक की जिसमें FIS और DIS की अच्छी खासी होल्डिंग हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ से अच्छा खासा गेन देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार क्विकली आके हम इसके चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। यार वैसे पता है ये मेरी लिस्ट में काफ़ी टाइम से एडेड है, जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था ना, ये उसी टाइम से मेरी लिस्ट में एडेड है, बस मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था मुझे स्टॉक को डिस्कस करने का। जहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था तो लगभग 1526 पे था ये, तब मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ठीक है यार, अभी भी बुरी ज़्यादा टाइम नहीं गया है, अभी भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अभी अपने हम कह सकते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। और यार बेसिकली सीधी सीधी बात है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको दिखा दिया है कि सारे फाइनेंशियल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, रिजल्ट ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी पर डेट जीरो है, सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। आगे आने वाले कुछ दिनों में ऑटो सेक्टर का पॉजिटिव व्यूज़ है काफ़ी, तो प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। आई डोंट केयर एक महीने बाद जाए, एक साल बाद जाए, दो साल बाद जाए, ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। या वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मैं बोलता हूँ 2 साल लगेंगे, बट लगते नहीं। और अगर 2 साल लग भी जाते हैं ना, तो भी 2 साल में 45% की अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्लासी अपॉर्चुनिटी है। सो आई डोंट थिंक हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में आपके जो भी स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।